पूरा विश्व जो है कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से लड़ रहा है, और इसी बीच मधेपुरा के एक गांव में भदोल में क्वारंटाइन सेंटर एक मिडिल स्कूल में बनाया गया है। नमस्कार, मैं मनदीप, आप देख रहे हैं मधेपुरा संचार। चलिए, यहाँ पर जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, यहाँ पर कैसे इन लोगों की व्यवस्था की गई है, क्या कुछ ये लोग अभी झेल के आए हैं, प्रवासी मजदूर हैं ये लोग, और कितनी इन लोगों की समस्या हुई है, यहाँ बाहर से जो आए हैं, दूसरे राज्य से जो आए हैं, इनकी यहाँ पर व्यवस्था की गई है, तो यहाँ के मुखिया जी जो हैं इनसे जानते हैं क्या कुछ यहाँ पर समस्या इन लोगों की हुई है और क्या कुछ व्यवस्था किया गया है, कब आए हैं ये लोग। तो मुखिया जी, जैसे कि यहाँ पर ये लोग कब आए हैं? कल से आ रहे हैं लोग जी, कल भी आ रहे हैं। अभी ये लोग कितने आदमी हैं यहाँ पर जो आए हुए हैं? अभी लगभग 41 आदमी है जी, 41 आदमी है यहाँ। इन लोगों की व्यवस्था जो है किसके द्वारा की गई है, आप भी यहाँ पे मुझे इन्फॉर्म किए तब आके पहुँचा, तो पता चला कि यहाँ पर 41 लोग करीब आए हुए हैं। सारा व्यवस्था सरकार के आदेशानुसार, सरकार के माध्यम से जी, सारा किट, भोजन, नाश्ता, चाय की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, बिजली लग गया है, आज पंखा भी लग जाएगा, तमाम तरह की व्यवस्था। आज डॉक्टर भी यहाँ आएंगे जांच के लिए जी, सारे डॉक्टर जो है, डॉक्टर का तो ड्यूटी फिर हो जाएगा डेली आना जाना। जी जी जी, डेली डॉक्टर आएंगे और डॉक्टर रिपोर्ट करेंगे। हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, जिला पदाधिकारी महोदय काफी तत्परता के साथ और गंभीरता के साथ, क्योंकि इलाके में काफी लोग संक्रमित हो रहे हैं, इसलिए हम लोग सजग हैं और सतर्क भी हैं। और सारे लोगों का जो प्रवासी आए हैं, हमारे पंचायत के, हमारे गांव के हैं जी, और इनसे हम लोग कल भी बात किए थे और अभी भी हम यहां मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, इनको कोई तकलीफ नहीं होने दिया जाएगा, सारी व्यवस्थाएं की जाएगी, सरकार की ओर से सख्त निर्देश है और हम ग्राम पंचायत की ओर से कोई इनको तकलीफ नहीं होने देंगे। सर, जैसे कि अभी ये जो स्कूल है ये काफी खुला है, कोई बाउंड्री की व्यवस्था नहीं है, इसके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई? सब व्यवस्था, आज टेंट वाला से बात हुई है, इधर पर्दा लगा देंगे जी, ठीक है। और ये लोग जो है, चूंकि ग्रामीण है, गाँव के है, इसको पता है यह बीमारी जो है एक दूसरे के मिलने जुलने से फैलता है। अब तो मीडिया के माध्यम से और सरकार के माध्यम से इतना अधिक प्रचार प्रसार हो गया कि सारे लोग को अपने परिवार की चिंता है और समाज की चिंता है, सारे लोग समझ रहे हैं। ये लोग अपने आप, इसको बाय फोर्स नहीं लाया गया, बजाबता बहुत सारे लोग आए हैं, जो इधर एक लोग बैठे हुए हैं, ग्यास नाम का है, ये आया गाँव, इसको फोन की ओर चलाया, इस तरह से सारे लोग, मूलचंद है, मेसर है, अन्य जो लोग है, इसको फोन किए और सीधा यहाँ आ गया, और कुछ को प्रशासन के लोग यहाँ दे आए। ऐसा नहीं कि सारे लोग बुझ रहे हैं कि हमको जो इस बीमारी से लड़ना है तो सजग होकर लड़ेंगे और परिवार और समाज को बचाएंगे जी। जैसे इस बीमारी के चैन की कड़ी को हमें तोड़ना है तो हमें सामाजिक दूरी का पालन करना ही पड़ेगा जी, जी। तो जैसे अभी ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं, इनके यहाँ पे छुट्टी, क्वारंटाइन के बाद इन लोगों की जो छुट्टी होगी, तो फिर इन लोगों को कुछ पैसे भी दी जाएगी क्या? जी जी, सरकार की तरफ से घोषित है, जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उसका सारा का यहाँ से रिपोर्ट जाएगा और तमाम लोग जो आ रहे हैं सबके रिपोर्ट, सबके खाता में सरकार की राशि जाएगी जी, सारे लोग। जैसे यहाँ पर जो है इतने सारे मजदूर हैं, अभी इन लोगों की जो है आज सुबह से इन लोगों का क्या कुछ व्यवस्था, खाना पीना, नाश्ता वास्ता का व्यवस्था हुआ या नहीं? जी, चाय की व्यवस्था हो गई, नाश्ता की व्यवस्था हो गई, लोग नाश्ता किए हैं, आप भी पूछ सकते हैं, भोजन बन रहा है, शानदार भोजन मिलेगा जी, जी। कहीं कोई तकलीफ नहीं है। देखिए, जैसे कि खाना की व्यवस्था आप अच्छी तरह से कर रहे हैं, मजदूर को इससे कोई परेशानी नहीं होगी, ताकि ये लोग भी आराम से खुशी से यहाँ रहे कि हमें इस कोरोना बीमारी से लड़ना है और हमें पूरे विश्व को, पूरे देश को जिताना है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो पहल है कि हमें इस चेन की कड़ी को तोड़ना है, इस बीमारी को हमें हटाना है, तो हमें सामाजिक दूरी का पालन करना है, तो मजदूर ये खुद समझ रहे हैं जी। सरकार का सिर्फ बात नहीं है, सब लोगों को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा जी। यह जो बीमारी है यह सिर्फ सरकार को नहीं होगी, इसमें सब लोग मरेंगे, इसमें जात पात धर्म कुछ नहीं जी जी, इसमें धर्म मजहब मंदिर मस्जिद नहीं देखना, सारे लोगों को सब कुछ से ऊपर उठ करके, हम लोग मानव जात के लोग हैं, सिर्फ क्योंकि इस वायरस से अभी तक जो पता चला है कि सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को ज्यादा, मनुष्य को ही खतरा है, इसीलिए मनुष्य जात को ही इस पर सोचना पड़ेगा जी। और वैसे भी मनुष्य समझदार होते हैं और अच्छी तरह से सामाजिक दूरी का पालन करेंगे, जैसे यहाँ के मजदूर हैं, अभी भी आप देख सकते हैं कितने सही तरीके से ये लोग बैठे हुए नाश्ता किए हैं, चाय पिए हैं, और ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी का पालन करते हुए बैठे हुए हैं। अब और जानते हैं कि ग्राम पंचायत की ओर से क्या कुछ और व्यवस्था की जा रही है। इसके बाद क्योंकि जांच होने के बाद जितने सारे स्वस्थ लोग हैं, ग्राम पंचायत की ओर से मनरेगा सहित सारी योजनाएं खोल के
जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो सरकार का निर्देश भी है, हम लोग उस ओर भी काफी बढ़ रहे हैं ताकि लोग जो बाहर से आ रहे हैं उसको बेरोजगारी फील नहीं हो और उसको भूख की चिंता नहीं हो। भूख की चिंता नहीं करना है, सरकार भी और ग्राम पंचायत भी सब लोग इसके विषय में सोच रहे हैं और कंधा से कंधा मिलाकर के हम लोग को इस देश को, समाज को, पंचायत को बचाना है। सर जैसे कि आज जो है लॉकडाउन, चौथा लॉकडाउन का आज निर्णय लिया जाएगा, तो इस बीच में आप क्या कहना चाहेंगे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज अपने देश को दिया है और लोगों के बीच, और अभी आज लॉकडाउन चौथे चरण में जाने वाला है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? लॉकडाउन तो अभी जारी रहना ही चाहिए, यह अनिवार्य है। सतर्कता के साथ सरकार जो निर्णय कर रही है वह हम लोगों के हित में है जी। जनता के लिए निर्णय, तमाम जो निर्णय है जनता के हित में, हित को ध्यान में रखकर किया जा रहा है और सरकार के निर्णय का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए। हम लोग अपने समाज को, अपने देश को बचाने के लिए सरकार का जो भी निर्देश है, जो नियम है, उसका पालन करते हुए लॉकडाउन अभी जारी रहना चाहिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आप लोग देखिए इधर जो है, जो भी क्वारंटाइन के लिए आए हुए हैं बाहर से प्रवासी मजदूर, इसमें एक महिला भी है, तो इन लोगों का जो व्यवस्था है मुखिया जी के तरफ से, सरकार के द्वारा, सीओ के द्वारा, जो भी है सबके द्वारा अच्छी तरह से की जा रही है। आज जो है यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी भी, प्रशासन भी पहुंचेगी, मुखिया जी के द्वारा यहाँ पर टेंट का व्यवस्था किया जाएगा, चारों साइड से पैक किया जाएगा। अब इन लोगों से भी जानते हैं क्या कुछ अभी इन लोगों का व्यवस्था हुआ है ना। अब यहाँ पर जो ये महिला बैठी हुई है, कहाँ से आए हैं, इन लोगों को क्या कुछ तकलीफ हुई है और यहाँ पर अभी तक क्या व्यवस्था किया गया है, तो आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से? राजस्थान से। तो आपको आने में कोई समस्या नहीं हुई ना? अभी जो है आप यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर मुखिया जी के द्वारा और यहाँ के जो स्वास्थ्य कर्मी, यहाँ पर जो अभी लोग ड्यूटी पे हैं, आप लोगों को नाश्ता खाना मिला है या नहीं? क्या मिला है जी? जैसे आप देख सकते हैं छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और पीछे जो है सारे लोग बैठे हुए हैं। क्वारंटाइन इन लोगों का यहाँ पर किया गया है और काफी अच्छी तरीके से इन लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी बताया जा रहा है। इन लोगों को अच्छी तरह से ये बताया जा रहा है कि सामाजिक दूरी का पालन करें, तभी हम कोरोना जैसे बीमारी से लड़ पाएंगे। आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान से। राजस्थान से? हाँ। क्या करते थे वहाँ? सब्जी का। तो अभी वहाँ से जो आए हैं यहाँ पर आप ठहरे हुए हैं, आपको कोई समस्या यहाँ नहीं है ना? नहीं। जी जैसे मजदूरों का कहना है कि यहाँ पर आने के बाद हमें कोई समस्या नहीं हुई है, तो आप बताइए आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान से। राजस्थान से आप भी आए हैं जी? आपको कोई समस्या नहीं हुई ना? कोई समस्या नहीं हुई। यहाँ पर जो मुखिया जी द्वारा आप लोगों को खाना उना का व्यवस्था सही से मिल रहा है ना? जी कल से आए हैं, कल से तो खाना उना, मतलब पहले बार तो होता है कुछ न कुछ त्रुटि, लेकिन बाद में सुधार होगी, धीरे धीरे हो जाएगी सब कुछ का। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं इतने सारे मजदूर हैं, ये लोग कल रात में आए हैं, इन लोगों की व्यवस्था जो है खाना का मुखिया जी के द्वारा, सरकार द्वारा की गई है। मुखिया जी यहाँ पर पहुंच के सबको इन्फॉर्म किए कि आप लोग अपने अपने ड्यूटी पे चले जाइए, इन लोगों का खाना का व्यवस्था करें। तो इसी तरह से जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग पीछे किया गया है, इसी तरह से अगर सारे लोग सजग हो जाए, जिसे कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, बाकी लोग अगर सामाजिक दूरी का पालन करेंगे तो हम कोरोना से जरूर लड़ पाएंगे। धन्यवाद। कैमरामैन प्रिंस के साथ मंदीप कुमार, मधेपुरा संचार।